परफॉर्म करा था और एक्टिंग करी तो आप मुझे भैया के मोबाइल में कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके वीडियो बनाएं गाइस, हमें लगा के वीडियो सब्सक्राइबर करने भैया के चैनल में आना, आपसे नहीं करे तो आज घर में सिस्टम आ गया। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप करता हूं लोग अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत यार काफ़ी देर हो गई है शुरुआत होने में, क्योंकि यार आज फिर से काफ़ी ज़्यादा ही एक्टिक दे था। मैं क्या बोलूँ, रोज डेली में बोल के बोर हो गया हूं मैं खुद ही। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है कि मुझे आप लोगों से बोलना पड़ता है, लेकिन क्या करें, दिन ऐसा आजकल चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक हो जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आज के व्लॉग की शुरुआत काफ़ी देर से हुई है और अभी तक मैंने सोचा भी नहीं कि आज का ये जो वीडियो है कौन से टॉपिक पर होगा। तो देखते हैं, बनाते हैं व्लॉग, जो भी बनेगा वो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। हो सकता है शायद ये बहुत छोटा सा व्लॉग हो, 2-4 मिनट का ही, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करना वीडियो में। और आप लोगों को बैकग्राउंड में हो सकता है शायद आवाज़ भी आ रही होगी, क्योंकि आज मोहल्ले में हो रहा है सुंदर कांड, तो ये अच्छे से होता ही है, आप लोगों को तो पता ही है, तो वही हो रहा है। अभी जस्ट मैं आ करके बैठा हूँ, तो मैंने कहा यार व्लॉग की शुरुआत करनी है, देखते हैं अगर अभी वहाँ जाएंगे कुछ देर बैठेंगे तो देखते हैं, अगर वहाँ जाएंगे तो ज़रूर आप लोगों को वहाँ का पार्ट देखने को मिलेगा, अगर नहीं जा पाए तो फिर उसके आगे जो होगा वो देखिएगा आप लोग। तो चलो जब जाते हैं कुछ करते हैं तभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में लिंक आ रही होगी, उस वीडियो में जो दो बच्चे हैं डांस कर रहे थे वो अपने काफ़ी खास बच्चे हैं, तो आज उन लोगों की डिमांड थी भैया हमको भी वीडियो में लिया जाए, तो मैंने कहा चलो ठीक है वीडियो में ले आते हैं। अब देखना ये है कि वो बोलते हैं कुछ कि नहीं बोलते हैं, इधर उधर से झांक रहे हैं। अभी मैं उन लोगों को कैमरे के जस्ट सामने लाऊंगा, तो चलो आ जाओ कैमरे के सामने, बोलो क्या बोलोगे बताओ। तो भाई जो मैंने प्रोग्राम किया और अच्छा ही किया था, आप लोग कैसा करा मैंने लाइक कमेंट करके बताइएगा। अब तुम बताओ क्या कहना चाहते हो। गाइस पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगा, मैं भी और मैंने जो डांस करा था, मैंने जो परफॉर्म करा था और एक्टिंग करी थी, वो आप मुझे भैया के मोबाइल में कमेंट करके बताइएगा। मोबाइल में नहीं, व्लॉग में, व्लॉग में कमेंट करके बताइएगा। और तब तक के लिए प्रणाम, कमेंट कर लेना। वैसे मैं बता दूं ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं, जब छोटे थे तो बहुत मैंने गोदी में दोनों को साथ में खिलाया है। अभी दोनों काफी बड़े हो गए हैं, देख लो चेहरा आप लोगों को पता चल रहा होगा दोनों का, थोड़ा सेम ही सेम है, तो काफी करीबी बच्चे हैं यार। मैं सारा दिन मोहल्ले में जो एक बिटिया आती है वो और ये दोनों बच्चे यही लोगों के साथ में सारा दिन एंजॉय करता हूँ। तो चलो चलते हैं, गणपति जी की आरती हो रही है, बैकग्राउंड में आप लोगों को म्यूजिक आ रहा होगा, चलते हैं कुछ बहुत भैया वहाँ वहाँ चल के वीडियो बनाएंगे। जब हम वहाँ चल के वीडियो बनाएंगे गाइस, सब लोग आ रहे हैं कि वीडियो बनाएंगे, तो चलते हैं। इसके लिए सिस्टम ऑन कर दीजिएगा, कमेंट करके। तो गाइस इन लोग के लिए एक बार जरूर कमेंट कर देना, चलो जल्दी से चलो। हाँ गाइस गाइस आप मिलियन सब्सक्राइबर करने भैया के चैनल में, अगर आपने नहीं करे तो आज घर में सिस्टम ऑन कर दीजिएगा। काफी बच्चों के साथ काफी खुशी होती है इस तरीके से बातचीत करने में, बच्चों से अच्छा फ्रेंड आपका कोई हो ही नहीं सकता है यार, मन के सच्चे, तो तभी अच्छा लगता है बच्चों के साथ। चलो जल्दी से चलते हैं। तो ये चक्कर ये भाई यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए लड़कियाँ रेडी हो चुकी है, इन लोगों का अष्टमी वाले दिन, राधा अष्टमी वाले दिन परफॉर्मेंस हो नहीं पाया था, तो आज लड़कियाँ तैयार हुई है, देख लो एकदम मराठी स्टाइल में रेडी हुई है। अभी इन लोगों का परफॉर्मेंस होने जा रहा है, तो चलो जल्दी से चलते हैं और दिखाते हैं इन लोगों का ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस, चलो जल्दी से। और उन बच्चियों के डांस के लिए, देखने के लिए, उत्साह वर्धन के लिए सभी लोग पंडाल में एक बार दोबारा से प्रस्थान। शशांक शेखर पीछे आइए, शेखर दीक्षित धनोर पंडित बाकी सब लड़के बच्चे पीछे आओ। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार इन लोगों का उत्साह बढ़ाने, यहाँ माइक बंद होता हुआ हनी बता यार, हनी 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 साथ में अभिनंदन करेंगे और उत्साहवर्धन करेंगे। अदिति जी का डांस चालू हो रहा है, बस कुछ ही पलों। तो गाइस यहाँ पे साउंड को बंद करना पड़ा है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट, तो आप देख सकते हैं बच्ची ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और मैं पूरा वीडियो भी नहीं डाल सकता हूँ, तो देख लो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस बच्ची का एक बार आप गेटअप चेक करो भाई, फुल मतलब मराठी स्टाइल में इसने रेडी हुई थी,
ये उन्हीं की फ्रेंड है, तीसरी बच्ची है, इसका भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, आप देख सकते हो। लो तुम बताओ। गाइस हमारी एक माई दीदी है जो उन्हें घबराहट होने लगी, तो इसलिए हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं, उसके बाद डांस परफॉर्मेंस चल रहा हो और डांसिंग क्वीन ना ऐसा हो नहीं सकता, तो आप चेक कर सकते हैं भाई कि डांसिंग के बीच में इनकी भी एंट्री हो चुकी है, इनके बिना तो डांस अधूरा ही था। सारे स्टेप एक तरफ, इनके स्टेप्स एक तरफ, भाई एक नंबर। और उसको पता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप उसकी नज़रें जस्ट आप चेक करो कि वो कहाँ देख रही है। लो भाई गाना खत्म होते ही वो समझ गई, वो भी शांत हो गई। तो गाइस कॉपीराइट की वजह से मैं पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकता हूँ, आप लोगों को पता ही है, तो कोई बात नहीं, देखेंगे अगर इंस्टाग्राम में ये वीडियो अपलोड कर पाए, स्टोरी वगैरह पे मैं लगा दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर के देख लेना। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, होप करता हूं आप लोग वीडियो पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब तो कर देना। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।